इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धरती पर बड़े बड़े टाइटन ने अटैक कर दिया है, जिसमें बहुत सारे इंसान की मौत हो चुकी है और जो भी बचे कुछ इंसान थे वो सभी एक बड़े बड़े दीवार खड़ी कर देते हैं ताकि वो टाइटन दीवार के दूसरी तरफ ना आ पाए। फिर 100 साल बाद दिखाया जाता है कि इंसान अब टाइटन के बारे में भूल चुके हैं, पर किसी भी इंसान को दीवार की दूसरी तरफ जाने की परमिशन नहीं है। दीवार के अंदर जितने भी लोग हैं इन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले आता है बहुत ही अमीर इंसान, सेकेंड में आता है इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज, और थर्ड में आता है उस वर्ग के इंसान जो खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं इन्हें यहाँ से दूसरे एरिया पर जाने की परमिशन नहीं है। अब जो कृषि वर्ग होता है जो एरिया नंबर 3 में रहता है, यहीं पर हरुमा नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत ही बहादुर होता है और वो टाइटन्स पर विश्वास नहीं रखता। उसका सपना है कि वो दीवार की दूसरी तरफ जाके उस दुनिया को देखेगा। फिर एक दिन जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने दोस्तों के साथ दीवार के पास चला जाता है। यहाँ पर सोल्जर हर वक्त टहलदारी करते हैं, वो इन्हें पकड़ लेते हैं, पर इससे पहले वो इन सब को मार दे वहाँ पर आर्मी का कैप्टन आ जाता है जो हरुमा को पहले से जानता है। वो हरुमा को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से चले जाओ। पर इससे पहले वहाँ से सभी जा पाते उससे पहले ही वहाँ की जमीन कांपने लगता है, और जब ये लोग दीवार के ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक जलता हुआ टाइटन था। अब इससे पहले इनमें से किसी ने भी टाइटन को नहीं देखा था, पर ये एक बहुत ही बड़ा जायंट टाइटन था जो कि अपने पैर से ठोकर मार के उस दीवार को तोड़ने लगता है। वहाँ पर जो कैप्टन था वो कहता है कि इस टाइटन के ऊपर अटैक करो, पर यहाँ पर जितने भी हथियार होते हैं उन्हें सरकार ने चलाने के लिए मना किया था। फिर अगले पल वो टाइटन यहाँ से गायब हो जाता है, पर दीवार पर जो छेद हो गया था वहाँ से बहुत सारे टाइटन अंदर आ जाते हैं। ये बिल्कुल इंसान की तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये इंसानों से बहुत ही बड़ा होता है। वहाँ पर सभी समझ जाते हैं कि ये अब हमला करने वाले हैं, तो इसीलिए उनके पास जो तोप होते हैं वो उनसे हमला करते हैं। टाइटन्स को चोट पहुँचता है लेकिन जल्दी ही ये सब अपने आप रिकवर हो जाते हैं। इसका मतलब कि इन टाइटन्स को मारा नहीं जा सकता। फिर यहाँ पर अफरा तफरी मच जाता है। यहाँ पर जो भी इंसान था वो अपने आप को बचाना चाहता है, इसलिए वो सभी एक बड़े हॉल की तरफ जाने लगते हैं। हरुमा और उसकी दोस्त भी वहाँ पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हरुमा की दोस्त एक बच्चे को देखती है और वो उस बच्चे को बचाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि हरुमा चाहकर भी अपने दोस्त के पास नहीं पहुँच पाता, और भीड़ की वजह से वो खुद ब खुद हॉल के अंदर पहुँच जाता है। फिर हॉल भर जाने की वजह से हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। हरुमा बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता। फिर अगले ही पल एक फीमेल टाइटन उसके दोस्त के पास आ जाती है और वो उसकी दोस्त और उस बच्चे को मार डालती है। हरुमा किसी भी तरह उस हॉल से बाहर आ जाता है और बाहर आकर देखता है कि चारों तरफ टाइटन्स हैं जो उस हॉल की छत को तोड़कर इंसान को मारना शुरू कर देते हैं। हरुमा किसी भी तरह यहाँ से भागने लगता है और उसके चारों ओर तबाही मच रहा था। फिर 2 साल बाद हम देखते हैं जहाँ पर हरुमा एक इंडस्ट्रियल एरिया में है जिसे एरिया 2 कहा जाता है। दरअसल यहाँ की दीवार बहुत ही ज्यादा लंबी और मजबूत थी, इसीलिए टाइटन यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। वहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए थे वो सभी एरिया 2 में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आबादी होता है। यहाँ पर इन्हें ना खाना ना पानी मिलता है, और अगर ये भरपेट खाना चाहता है और जिंदा रहना चाहता है तो उन्हें टाइटन के हाथ से अपने एरिया को छुड़ाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर एक टीम बनाया जाता है जो कि उन टाइटन से लड़के उस एरिया को फ्री करेगी। इस टीम में हरुमा भी होता है। दरअसल टाइटन्स ने उसके दोस्त को मार दिया था और अब वो अपनी दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है। अब कमांडर सभी सोल्जर से कहता है कि एरिया 3 में जिस दीवार की होल से टाइटन्स अंदर आए थे उस होल को पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। हम वहाँ पर एक ब्लास्ट करेंगे जिससे कि वहाँ पर जो मलबा है वो सभी उस होल के सामने आ जाएगा, जिससे कि वो होल बंद हो जाएगा और टाइटन्स कभी भी दोबारा वहाँ पर नहीं आ पाएगा। यहाँ पर उन्हें ये भी पता चल जाता है कि टाइटन्स को कैसे मारा जाता है। दरअसल उनके गर्दन के पीछे अगर वार किया जाए तो वो टाइटन मर जाएगा और वो कभी भी जिंदा नहीं होगा। फिर रात में पूरी टीम एरिया 3 में पहुंच जाते हैं और जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर जो फीमेल सोल्जर था वो उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। हरुमा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये इंसान का नहीं बल्कि टाइटन का बच्चा है। वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और बहुत ही रोने लगता है, जिस वजह से टाइटन्स जाग जाते हैं और वो अब हरुमा और उस फीमेल सोल्जर के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर जो कमांडर था वो अपने सभी सोल्जर और बारूद लेके निकल पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हरुमा और बाकी के सोल्जर के पीछे टाइटन्स पड़ जाते हैं, पर इससे पहले वो सभी को मार डालता उससे पहले ही वहाँ पर हरुमा के वही दोस्त जो कि 2 साल पहले एक बच्ची को बचाने के लिए हॉल के अंदर नहीं गई थी वो अभी भी जिंदा है। इसका नाम मिकाशा है। उसके साथ एक कैप्टन भी है जिसका नाम शिकिशिमा है जो इससे पहले कई टाइटन्स को मार चुका है। वो आकर यहाँ पर कई टाइटन्स को मार के इन सभी को बचा लेता है। यहाँ पर मिकाशा अपने दोस्त हरुमा को देखकर खुश नहीं थी, वो बहुत ही
गुस्से में थी। दरअसल आज से कई साल पहले जब उसे टाइटन ने निगल लिया था तो उसे शिकिशिमा ने बचाया था, जिसके बाद वो उसे टाइटन से लड़ना सिखाया। उसने बताया था कि टाइटन से डरना नहीं है, क्योंकि डर ही तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हें अपने गुस्से को टाइटन के खिलाफ इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कमांडर आ जाता है। वो आके सफाई देने लगता है कि मैं अपने हथियार को खोना नहीं चाहता था, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। और अब इनके पास जो एक्सप्लोसिव होता है उसे ये लोग गाड़ी में लोड करना शुरू कर देता है। पर इससे पहले वो यहाँ से निकल पाते यहाँ पर बड़े बड़े दो टाइटन्स आ जाते हैं। वो इनके दोनों लोगों को मार भी देता है और तभी उनकी एक्सप्लोसिव से भरी हुई कार कोई चुरा के ले जाने लगता है। यहाँ पर एक औरत होती है जिसके पति को उन टाइटन्स ने मार दिया था। वो उस एक्सप्लोसिव से भरी हुई कार को टाइटन के बीचों बीच ले जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे कि कई टाइटन्स जख्मी हो जाते हैं। पर जल्द ही उनका घाव रिपेयर हो जाता है, क्योंकि टाइटन्स को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके गर्दन पर वार करना पड़ता है। कमांडर जब देखता है कि पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव खत्म हो चुका है, वो यहाँ से निकल पड़ता है और बाकी के बचे हुए लोगों को टाइटन्स घेर लेते हैं। हारुमा को यहाँ पर शिकिशिमा की बात याद आती है कि टाइटन्स से लड़ने के लिए अपना गुस्सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अपने गुस्से को इस्तेमाल करके कई टाइटन्स को मार डालता है, पर इसमें एक टाइटन उस पर हमला करता है जिससे कि उसका एक पैर टूट जाता है। दूसरी तरफ उसके एक दोस्त को टाइटन पकड़ लेता है और मुंह के अंदर डालने लगता है, पर इससे पहले वो उसे निगलता हारुमा किसी भी तरह उठ के अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है। वो अपने दोस्त को टाइटन की मुंह से किसी भी तरह निकाल देता है, लेकिन इसमें वो अपना एक हाथ खो देता है और टाइटन उसे निगल लेता है। कुछ ही सेकंड बाद वो देखता है कि वो टाइटन के पेट के अंदर है। दूसरी तरफ मिकाशा ये देखती है कि उसकी दोस्त हारुमा को एक टाइटन ने निगल लिया है। वो उसी टाइटन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर वो थी वो खराब हो जाता है। वो नीचे गिर जाती है और अब उसके सामने वही टाइटन होता है जिसने कि उसके दोस्त हारुमा को निगल लिया था, और अब वो टाइटन मिकाशा को मारने वाला होता है। पर इससे पहले वो ऐसा कर पाता उसका पेट फट जाता है और वहां से एक टाइटन निकलता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन वो इंसानों के ऊपर हमला नहीं करता, वो दूसरे टाइटन के ऊपर हमला कर देता है। वहां पर सभी ये देखकर चौंक जाते हैं और जब वो लोग गौर से देखते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि हारुमा था। हारुमा सभी टाइटन्स को मार डालता है और वो कमजोर होकर जमीन में गिर जाता है। शिकिशिमा कहता है कि इसके गर्दन के पीछे वाले हिस्से को काट दो, और मिकाशा ऐसा ही करता है। वो उसके गर्दन के पीछे वाले हिस्से को काट देता है और अगले पल ही वो देखते हैं कि हारुमा अपने असली रूप में आ गया है। उसने अपना जो हाथ खो दिया था वो वापस आ गया है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने वापस जन्म लिया है। वही ऊपर शिकिशिमा ये सब देखकर हंस रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ पहले से ही पता है। अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हारुमा एक छोटा बच्चा है। उसके पिता एक वैज्ञानिक थे और वो हारुमा के बॉडी के अंदर एक वैक्सीन इंजेक्ट कर देता है। हारुमा की माँ उन्हें ऐसा करने से मना करती है, पर हारुमा का पिता कहता है कि आने वाले वक्त में जब हारुमा बड़ा हो जाएगा तो वो इंसान को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। तभी अचानक वहाँ पर कुछ आर्मी के लोग आ जाते हैं और तभी वो लोग हारुमा को छुपा देते हैं। दरअसल गवर्नमेंट को पता चल चुका था कि हारुमा का पिता यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और ये वो समय होता है जहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट करना मना है। वो लोग हारुमा के पिता के सारे एक्सपेरिमेंट को जला देते हैं। उस समय हारुमा के पिता के साथ वो कैप्टन भी होता है, जिसे कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। दरअसल वो हारुमा के पिता के दोस्त थे, इसलिए वो हारुमा को शुरू से ही पसंद करते थे। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर उस कमांडर ने हारुमा को बांध के रखा था। हारुमा को यहाँ पर समझ नहीं आता है कि वो कैसे एक टाइटन में बदल गया था, पर कहीं न कहीं वो खुश भी होता है क्योंकि उसने अपने साथियों की जान बचाई थी। अब कमांडर यहाँ पर हारुमा को अपना दुश्मन समझता है, तो इसलिए वो हारुमा को बांध के रखता है। साथ ही वो ये भी चाहता है कि इस दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट ना हो। यहाँ पर वो कैप्टन भी होता है। वो कमांडर से कहता है कि वो हारुमा को ना मारे, क्योंकि हारुमा सबकी मदद कर सकता है। पर यहाँ पर वो कमांडर गुस्सा होकर उस कैप्टन को मार डालता है, लेकिन मरने से पहले वो कैप्टन हारुमा को बता देता है कि तुम्हारे माता पिता के कातिल और कोई नहीं बल्कि ये कमांडर है। और अब हारुमा जान चुका है कि उसके माता पिता के कातिल कौन है। फिर एक एक करके हारुमा और उनके सभी साथी कमांडर के खिलाफ होने लगते है। पर इससे पहले वो कमांडर सभी को मार डालता, ऊपर से एक टाइटन आके नीचे गिरता है। वो सभी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और इसमें उस कमांडर की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद वो टाइटन हारुमा को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद हम हारुमा को देखते हैं, जिसके सामने शिकिशिमा था। शिकिशिमा उसे बताता है कि ये जो टाइटन है इन्हें और किसी ने नहीं बल्कि इंसानों ने ही बनाया है। दरअसल तुम्हारे पिता ही वो थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वो आर्मी के लिए बहुत ही खतरनाक जैविक हथियार बना रहे थे, लेकिन उन हथियारों को वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उसमें से वायरस पूरे दुनिया में फैल गया, जिससे कि इंसान टाइटन में बदल गए और उन्होंने इंसानों के ऊपर ही हमला कर दिया। वो हारुमा को बताता है कि तुम्हारे पिता टाइटन्स को खत्म करना चाहते
चाहते थे, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए और एक वैक्सीन भी बनाया जो कि तुम्हारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया। पर इससे पहले वो अपने मकसद में सफल होते उससे पहले ही उनको मार दिया गया। पर जिस वैक्सीन को तुम्हारे पिता ने तुम्हारे अंदर डाला था उससे तुम उन सभी टाइटन का सामना कर सकते हो, तुम कभी भी टाइटन में बदल सकते हो। और ये बात मैं बहुत ही पहले से जानता था। हरुमा को शिकिशिमा की बात सही लगती है और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वही दूसरी तरफ हरुमा के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उस दीवार की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर कि वो होल है। पर तभी उनके सामने शिकिशिमा आ जाता है। वो सभी को कहता है कि हमें इन हथियार का इस्तेमाल दीवार को बंद करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे एरिया 2 की दीवार को तोड़ने के लिए, ताकि वो लोग मजबूर हो जाए टाइटन से लड़ने के लिए। लेकिन हरुमा और उनकी दोस्तों को ये बात सही नहीं लगती है क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। हरुमा उसके खिलाफ हो जाता है और एक बार फिर से शिकिशिमा एक टाइटन में बदल जाता है। दरअसल जो टाइटन ने हरुमा को उस कमांडर से बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि शिकिशिमा था। और अब शिकिशिमा जो कि एक टाइटन बन चुका है उसे रोकने के लिए हरुमा भी टाइटन बन जाता है। इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा फाइट होता है, लेकिन शिकिशिमा हरुमा से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि उसका फाइटिंग स्किल उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। पर हरुमा हार नहीं मानता, वो शिकिशिमा से लड़ता है और किसी भी तरह उसे हरा देता है। इसके बाद उनके पास जो एक्सप्लोसिव था हरुमा उसे दीवार के उस हिस्से में लगा देता है जहाँ पर उसे लगाना चाहिए था। लेकिन तभी हम दीवार के ऊपर उस कमांडर को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमने जिस जायंट टाइटन को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि कमांडर खुद था। दरअसल ये कमांडर चाहता था कि हमेशा इंसान टाइटन से डर के रहे, लेकिन जब ये लोग कमांडर के ऊपर तीर से हमला करते हैं वो कमांडर गुस्सा होकर एक बार फिर से वो जायंट टाइटन में बदल जाता है और हरुमा चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन शिकिशिमा भी अब हरुमा का साथ देता है और दोनों मिलकर उस जायंट टाइटन का मुकाबला करता है। और इसी लड़ाई के बीच में वो दोनों उस जायंट टाइटन के मुंह के उस एक्सप्लोसिव को डाल देता है और जब वो ब्लास्ट होता है तो उस कमांडर की मौत के साथ साथ उस दीवार की टूटने से और टाइटन की मलबे से वो छेद बंद हो जाता है, यानी कि ये जगह अब पूरी तरीके से सेफ हो चुकी है। फिर अंत में हरुमा और मिकाशा को दिखाया जाता है जो कि दीवार के ऊपर खड़ा हुआ था। जैसा कि हरुमा का हमेशा से सपना था कि वो दीवार के उस तरफ की दुनिया देखेगा और यहाँ से उसे एक विशाल समुन्दर दिखता है जो कि ये दोनों अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।